प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सारे जिलों में चल रहा है। सिंगरौली जिले के मोरबा में जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोरबा बस स्टैंड में जहां पर कांग्रेस के वक्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं की आलोचना की, वक्ताओं ने कहा कि सरकार 5 साल पूर्व लोगों से वादा कर रही थी कि 15-15 लाख उनके खातों में डाल दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति के खातों में 15 लाख रुपए नहीं आए। मोदी की केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी की थी, लेकिन वर्तमान में देश की स्थितियां यह हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही थी उनको भी बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार लोगों से झूठे वादे कर सत्ता में वापस आई। जिला कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली की ओर से सबसे पहले तो बूथ लेवल तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी है। सबसे पहले बूथ के बाद फिर हम लोग पोलिंग पर, पोलिंग के बाद फिर सेक्टर के बाद मंडल, मंडल के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिले की कार्यकारिणी बनाने को लेकर के मंथन चल रहा है। कांग्रेस सेवा दल को नए तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व में मजबूत करने का आह्वान किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग जा रहे हैं और महत्वपूर्ण हम लोगों का फोकस सदस्यता अभियान को भी लेकर के है। जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें सेवा दल के भी लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले रहे हैं। उसमें हमारे जिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का, ब्लॉक अध्यक्षों का भी सहयोग मिल रहा है और कांग्रेस सेवा दल विशेष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरे जिले में व्यापक रूप से दौरा कर रहा है। हमारा कार्यक्रम कई दौर का संपन्न हो चुका है और इस दौर में हम लोग मोरबा से प्रारंभ किए हैं, कल हम लोग केंद्र में जाएंगे, इसके बाद कुकार में, माड़ा में, इसके बाद गुना सरई में, ऐसे करके हमारा पूरे जिले का प्रोग्राम तय। कहीं ना कहीं जिले में अभी चुनौतियां हैं, तीनों विधानसभाओं में बीजेपी की यहाँ पे विधायक है और वर्तमान में अभी बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान कुछ समय पहले किया था, अब आप कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान किया जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या मानते हैं, कितनी चुनौतियाँ? देखिए, चुनौतियाँ तो है निश्चित रूप से और हमारा संगठन कहीं कहीं कमजोर रहा, उसके कारण हम लोगों को पराजय मिली है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो मोदी जी की विफलता रही और उसको हम लोग नहीं पहुंचा पाए, प्रदेश सरकार की सफलता को जरूर पहुंचाए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन के बाद सिंगरौली जिले में उसका असर कम रहा है। सिंगरौली में हम सब लोग कहीं कहीं पराजित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार की असफलता है, चाहे उनका 15 लाख का वादा हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात हो, चाहे भारत में बुलेट ट्रेन लाने की बात हो, चाहे गंगा सफाई की बात हो, सारे के सारे मुद्दों को लेकर के फैल रहे हैं, हर बार नया मुद्दा लगा देते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा के सरकार के कार्यकाल को लोगों ने देखा, उनको नकार दिया और केंद्र सरकार के बारे में भी हम सब लोग व्यापक रूप से जन जागरण करने का काम कर रहे हैं और आम जनता को हम सब लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तो हमारा पूरा फोकस है कि 14 तारीख को जो नई दिल्ली में हमारी रैली होने जा रही है, हमारे राष्ट्रीय ऑब्जर्वर भी आए हैं, राष्ट्रीय सचिव भी आए थे, हम सब लोग पूरे जिले में हमारे पर्यवेक्षक भी नियुक्त हुए हैं। हम सब लोग 14 तारीख के बाद लौट करके संगठन को ही मजबूत बनाने का काम करने पर विशेष रूप से फोकस है और सेवा दल आप देख रहे हैं, इसमें हमारे जिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, इन तक के हमारे नेतागण, सेवा दल के पूरे पदाधिकारी, ब्लॉक, सेक्टर, मंडलम के सभी लोग सेवा दल को व्यापक सहयोग कर रहे हैं। सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो सबको लेकर के चलने में विश्वास करता है।